इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 62 नोएडा के ए ब्लॉक में। मेरे पीछे कोरेंथम बिल्डिंग है जहां पर दो बैंक के एटीएम्स हैं, लेकिन लोग कितनी भारी तादाद में पहुंचे हैं अपनी करेंसी को चेंज कराने के लिए और एटीएम से नए नोट निकालने के लिए, ताकि उनकी परेशानियों का समाधान हो सके। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 8 नवंबर की शाम को पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, जिसके पास लगातार लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा अपने कि वो पीछे लाइन दिखाए, कितनी लंबी लाइन यहाँ पर मौजूद है। जो लोग यहाँ पर आए हैं वो सुबह से ही लाइन में लगे हैं, जब तक ये बैंक खुले भी नहीं थे तब से लोग लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह की अफरा तफरी है, आपदापी है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। आप चेहरे देख सकते हैं लोगों के जो ये परेशानी बयां कर रहे हैं कि कितनी बड़ी एक दिक्कत बनाई है, करेंसी जिस तरह से बंद कर दी गई है बिना कोई डेडलाइन दिए। हालांकि लोग क्या कुछ कहते हैं ये भी आपको लोगों से ही जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर जो लोग पहुंचे उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं, सुबह कितने बजे से लाइन में लगे हुए हैं और क्या आपकी परेशानी है ये बताएं। सुबह मैं 5 बजे से लगा हूँ, 5 बजे तक अभी तक यहाँ पे हूँ, वहीं पे खड़ा हूँ। अंदर पब्लिक कहाँ से आ रही है, अंदर भी लाइन लग चुकी है और मैं 3 दिन से लाइन में लगा रहा हूँ, 3 दिन से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तीन दिन से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, कह रहे हैं यही 5 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन अंदर पब्लिक कहाँ से आती है? क्या वो बैंक के कुछ जानकार हैं या फिर जो बैंक में अंदर स्टाफ काम करता है उनके कुछ जानकार हैं जिन्हें बैंक अलग से पैसे दे रहा है, लेकिन जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनके लिए किस तरह की कोई भी जो उनकी समस्या का समाधान है वो नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं कहाँ से आप आए हैं? सर, हम छिजारसी से आए हैं। यहाँ पे मैटर ये है कि हम 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे खड़े हैं। बाकी जो भी लोग आ रहा है, जो ज़्यादा बोलता है, ओवर एक्टिंग है, वो लोग घुस जा रहे हैं। बाकी स्टाफ वाले अंदर हैं, वो अंदर ही अंदर लाइन लगा रहे हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लोग को कहना तो ये है कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, जबकि बैंक वाले अपने लोगों का पक्ष ले रहे हैं, जो उनके खासम खास है उन्हें बैक गेट से अंदर घुसाया जा रहा है और उन्हें ही पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि जो आम जनता है वो परेशान है, लगातार हलकान है। आपसे जानते हैं क्या कुछ मांग है आपकी, कि अगर ये फैसला लिया गया है, करेंसी बदल ली गई है, तो आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ लाइन में लगे हुए हैं जी सर, आपको किस तरह की एक वो दिया जाए, सुविधा क्या दी जाए आपको? सर, सुविधा तो देखो सबको दी जाएगी समय के हिसाब से, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो मोदी जी ने किया है बहुत अच्छा किया है, मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ दिन के लिए समस्या है, समस्या का समाधान हो जाएगा। भाई सभी लोग लाइन में लग रहे हैं, किसी एक के लिए समस्या है नहीं, सभी के लिए समस्या है, तो धीरे धीरे सबका समाधान हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये नहीं था कि आप फैसले से खुश हैं, नहीं है, सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं, जो इतने लोग लाइन में लगे हैं, 5 बजे सुबह पहुंचे हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधा होनी चाहिए बैंक की तरफ से या सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कुछ सुविधा होनी चाहिए उनके लिए, और ब्रांचेज मतलब और कहीं से मतलब कुछ जगह और मतलब ऐसे काउंटर बनाने चाहिए जहाँ पे करेंसी उनको दी जा सके आसानी से, क्योंकि बैंकों में बहुत लंबी लाइनें हैं, सुबह से लोग 5 बजे से खड़े हैं, शाम को नंबर भी नहीं आता है, शाम को ऐसे लोग खाली हाथ वापस घर चले जाते हैं। सर, ये बात खाली हाथ वापस जाने की जहाँ तक बात है, तो आपको बता दें कि देश भर में अब तक करेंसी बैन होने के बाद 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंक की लंबी लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार किया, लेकिन जब नंबर नहीं आया तो फाइनली उन्होंने सुसाइड कर लिया, और ये परेशानी एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आई है। कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। आप कब से यहाँ पे खड़े हैं लाइन में और क्या कुछ आपकी समस्या है? बोले कुछ लोग परेशान हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बोल नहीं पा रहे हैं, सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। आप बताएं। सर, मैं मेरा जीजाजी का सर मर्डर हो गया घर पे, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और पैसे के लिए कल मैं 3 घंटा लाइन में लगा था, 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक लगा, जब तक मैंने काउंटर पर गया सर कैश खत्म हो गया। तो अभी सर टाइम से स्टाफ लोग आए हुए, लेकिन टाइम से बैंक नहीं खोल रहा है। सर, मैं चाहूँगा कि ये लोग टाइम से बैंक खोले, और हम जो 5 बजे से लाइन में हैं उसका सर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। सर, परेशान हो रहा है, इतनी देर से खड़े खड़े पैर दर्द कर रहे हैं, सर भूखे सुबह से अभी तक यहाँ पे हूँ। हालांकि पीएम मोदी ने कहा था कि 8 से 8 तक बैंक खुलेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद है उनका कहना यह है कि बैंक अपने उसी टाइम से खुलते हैं, 10:30 बजे बैंक खुलते हैं, जबकि 5:30 बजे बैंकों को शटर डाउन कर दिया जाता है। एक महिला हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहती है, क्या समस्या? हमारे लड़के की 30 तारीख की शादी है, और हम कब पैसा बताएंगे? हमें 4,000 फालतू मिलेंगे नहीं, चेक लेकर आओ, चेक भी ना दे रहे इनने। पीएम मोदी ने गोवा में ये कहा था कि जिनके घर में शादी है वो शादी का कार्ड दिखाए, और कार्ड दिखाए तो 5 लाख तक उन्हें रुपए मिल सकते हैं। हेलो, चेक कार्ड देखो, कार्ड आप देखो, आप इतना शादी कार्ड देखो, आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 30 नंबर में मेरी शादी है और एक सामान नहीं खरीदा है, हमारा क्या प्राप्ति घुर क्या जितनी बताएगी? नरेंद्र मोदी अपने लिए किया है सुख, किसी का भी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं किया है।
हर एक का एक सपना होता है कि जिसके घर में बेटी है वो अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करे, लेकिन शादी ही अब सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। मेरे सामने मिसेस कौशिक खड़ी है, उनका कहना यह है कि बेटी की शादी है, डोली उठने वाली है, लेकिन बारातियों का स्वागत आखिर कैसे किया जाएगा जब हाथ में कैश नहीं होगा, तो कैश बड़ी समस्या है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे जिनकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, किसी घर में डेथ हुई है तो किसी घर में शहनाई बजने वाली है, लेकिन मातम हो या खुशियां हो, रंग जो भी है वो फीका पड़ चुका है। कोरिंथम बिल्डिंग के सामने इस वक्त हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन सबकी समस्या है, समाधान किसी के पास नहीं है, ना सरकार के पास और ना ही बैंकों के पास। कैमरामैन कमलेश कमल के साथ नोएडा से गौरव सिंह, कोबरा पोस्ट के लिए।